नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को आज की रेसिपी में मैं क्या बनाने वाली हूँ। दोस्तों आज की रेसिपी में मैं बनाने वाली हूँ दूध दरिया। इसके लिए मैंने गेहूँ का आटा लिया है। दोस्तों आप लोग मैदा भी ले सकते हैं। इधर मैंने चीनी लिया है स्वाद के अनुसार। इलायची को मैंने दरदरा कूट लिया है, हरी इलायची है। ड्राई फ्रूट में मैंने काजू और बादाम लिए हैं। दूध लिया है मैंने 1 लीटर। कढ़ाई में लगाएंगे थोड़ा सा घी। इसमें डालेंगे दूध को। दूध उबलने तक इसका इंतज़ार करेंगे। तब तक मैं इधर आटे को फेंट लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा डालेंगे फूड कलर। दूध से इसको फेंटेंगे। इसे दूध बरिया और दूध की पकौड़ियाँ भी कहते हैं। हमारे यहाँ इसे दूध बरिया ही बोलते हैं दोस्तों। आटे को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। दूध में थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। अच्छी तरह से इसे मिला देंगे। दोस्तों एक बार आप लोग अपने घर पे दूध बरिया रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। खाने में बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगती है। चीनी डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार। इसे अच्छी तरह से एक बार फिर से मिला देते हैं। दूध में हमारे उबाल आ चुका है। इसमें छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ डालेंगे दूध में। इसी तरह सारी पकौड़ियाँ डाल देंगे। इसे 10-15 मिनट तक पकाएंगे। दोस्तों यदि आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इधर हमारी दूध दरिया अच्छे से पक रही है। एक बार फिर से इसे अच्छे से चला देती हूँ। अच्छी तरह से इसको चला देंगे। आप देख सकते हैं पकौड़ियाँ बिल्कुल अलग 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 हैं, चिपकी नहीं है। अभी इसे थोड़ी देर तक और पकाएंगे। दोस्तों एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा दूध बरिया की रेसिपी। इलायची को मैंने कूट के रख लिया था, उसे भी डाल देंगे। काजू और बादाम को मैंने पतले पतले टुकड़ों में काट लिए थे, उसे भी डाल देंगे। फिर से इसे अच्छी तरह से चला देंगे। दूध दरिया हमारी लगभग पक चुकी है। इसे अब चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। फिर से इसे एक बार चला देती हूँ। अब मैं इसे नीचे उतार लूँगी। अब इसे एक बर्तन में पलट लेंगे। दोस्तों बहुत ही टेस्टी और यम्मी हमारी दूध बरिया बनी हुई है। दोस्तों देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। इधर मैं एक आप लोगों को काट के दिखाती हूँ। बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट बनी हुई है। दोस्तों एक बार आप लोग अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा दूध बरिया की रेसिपी। बताइएगा कि हमारी आज की रेसिपी कैसी बनी हुई है। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।